आखिर किन जीवों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंसेक्ट है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम एक गोरैया को देखते हैं तो उसको देखते हम कहते हैं कि वो एक बर्ड है, जबकि एक बटरफ्लाई या फिर एक मधुमक्खी को देख के हम कहते हैं कि वो एक इंसेक्ट है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके शरीर को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको हम हेड कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम थोरैक्स कहते हैं और एंड वाले हिस्से को हम एब्डोमेन कहते हैं। इंसेक्ट्स के हेड में जो सिर वाला हिस्सा होता है उसमें दो एंटीनाज होते हैं, साथ में इंसेक्ट्स के शरीर में छह टांगे होती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स में दो विंग्स तो कईयों में चार विंग्स होते हैं। तो अगर आपको ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन किसी एक जीव में दिखे तो आप उसको इंसेक्ट कह सकते हैं।